तू निकाल ले बकरी की आवाज। हाँ निकाल ले तो और का, निकाल के दिखाइयो। ऐसे क्या निकाल, तुम खुद निकालो पहले यार। तू निकाल के दिखाइयो। तेरे को बकरा भी सस्ता हो तेरी तरह। मैं समझता हूँ, एक चीज बता, तेने इतनी सारी बकरी और भेड़ पाल रखी है, इनसे फायदा कहाँ है? भैया बकरी को तो दूध बेच जाता है और भेड़न की ऊन बेच जाता है। और भेड़न की ऊन क्या रुपए किलो बिक जा? भेड़न की ऊन बेच जाता है 700-800 रुपया किलो। 700-800 रुपए किलो? हाँ। मतलब महीने के रुपए कमा रहे हैं तू? सब मिला के 70-80 हजार रुपए कमा लेते हैं। यार तेरा ही काम बढ़िया। कहाँ भैया यार, मेहनत तो बहुत करन पड़ता है। और जब मृदुल भैया कहाँ मेहनत कर रहे हैं यार? बाबू यार मैं तो कैसे बताऊँ, तेरे बगैर जीना लगता मेरा कतई भी। अरे तो मैं क्या करूँ, जब मुझे मौका मिलता है तब कर तो लेती हूँ, और वैसे भी घर में और भी काम होते हैं। बस यूँ तो फर्क है मेरी जान मोह में और तुम है। तू सारे कॉमन ने करने के बाद मुझसे बात करे और मैं सारे कॉमन ने छोड़ के तो बात करूँ। देख कैसा लग रहा फोन पे, अगर लौंडिया का फोन आ जाना तो टट्टी मेरे जाता हूँ। तो बाबू रात में धल लेकर अपने दौर फोन। पेपर चल रहे हैं मेरे, रात में नहीं चलाने देती मम्मी फोन। तेरी मम्मी ने भी ना आपत्ति कर रखी है। चल ठीक है, कोई ना मेरी बात सुनो, अब तू ध्यान से। नहीं 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 मम्मी, आगे बाद में बात करूंगी, बाय बाय बाय। ए रे रे काट दियो नितिन भाई। अरे भगाने खड़ा क्यों देख रहा है? हट ओए नितिन भाई। भाई यार मोर नया फोन चाहिए। है तो क्या फोन? मो एक और सीएम अपने बाबू को दूंगा। अच्छा न्यू ना सोच रहा, एक फोन तो पे हो जा, एक फोन मो पे हो जा, दोनों भाई मिलके तो एक फोन से काम चला रहे हैं। बाबू का फोन देना। हाँ तो जब बाबू रहेगी ना तो फोन का करेगा कहा? तो मैं कौन से ला के दे फोन, मेरी का फैक्ट्री खुल रही है। अरे मो ना बता यार, मो फोन चाहिए। वैसे एक बात बताए भैया, ये गरीबी बहुत बुरी चीज होता है। अरे कुछ भी बुरी ना होती है, गरीबी से बुरा तो हुआ है कि घर वाले ने मुआवजा मिलाओ और बालक भीख मांगते डोल रहे हो। तो बताओ हमारे पापा के द्वारा एप्पल का फोन है, बस हमें चला रहे हैं फोन है, 350 रुपए के लिए जूता बेच के। यार भाई एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे द्वारा पैसा का जुगाड़ करने का बहुत टॉप का आइडिया। बता फिर बता। तू जा एक काम करो, मेरी गैल चलो तुम। अरे बता तो सही, मैं कहता रहूँ मेरी गैल चलो ना, बता दूंगा यार चलो। ये बुकरियां, अरे बुकरियां बुकरियां ऐसी चरती रहेंगी जिंदगी भर। आ तू मेरी गैल। देखना कोई है तो ना। कोई भी ना, कोई भी ना। मस्तानी एक काम कर, भाग के भीतर जा और मम्मी से ढोलक मांग के ला। क्या भैया अब ढोलक बजाए? हम ढोलक ना बजानी, बस तू मांग के तला। वैसा हमें ढोलक चाहिए क्यों? जितनी कही उतना सुन समझ गया ना, ना जल्दी। पर भैया हम ढोलक का कह के मांगे? अरे नु कह दियो पापा की रिंग सेरेमनी है। अरे नु कह दियो घर में कीर्तन है, जा तो सही। बहुत बढ़िया। और सुन मम्मी हमारे बारे में पूछे ना तो नु कह दियो नितिन मित्र तो खेत में है, खेत पे जा। ठीक है अंटे जी। रुक जाएगा दो मिनट। आंटी 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 होश भी ले लेकर। आंटी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बता। रे बोले जो कजूनी आंटी, ढोलक मांगो आए थे, ढोलक हो तो दे दो। बहुत बढ़िया, पढ़ाई लिखाई तो होती ना तुम पे, ढोलक ही बजाओगे? अरे नहीं नहीं आंटी, घर कीर्तन है हमारे, मांग रहे हम पे नो ढोलक वोलक। पर मेरे तो ये तो कह रहे घर धरी ढोलक। हाँ उनको तो बाप धर गो ना ढोलक। हाँ हाँ उनका बाप ही लाया, कीर्तन के काम में ढोलक की मने ना करे करे। चुप दे चल। ला रही हूँ, रुक यहीं। और छोड़ा भाई मस्तानी, क्या हाल है? बस बढ़िया अंकल। अरे बॉस रिश्ता पूरा हो तू, ढोलक उठा लेगा? अरे अंकल तुम मजाक करत रहा। अच्छा वैसा काहे बात को कीर्तन है? अरे वे नहीं है हमारे छुन्नू चचा, उनकी बे मतलब हमारी चाची, उनकी लड़का बहू है। अच्छा जी, वैसा कुड़ कुड़ आ रहा कीर्तन में? सभी आए रहे हैं, मौसी आए रही, बुआ आए रही, ताई आए रही, अबे पिंकी भाजी आए रही। बहुत बढ़िया, तो मौके बजे आना हो फिर। अरे नहीं अंकल, कीर्तन में आदमी को नहीं बुलाओ, खाली औरतें औरतें आ रही हैं। और तो कहा होगा, तेरी मौसी कीर्तन कर लेगी, हम ढोलक बजा लेंगे। हाँ हाँ रुक जा बस। और तू पकड़िया ढोलक, तुम्हारा एक बार पलास गया, आज तक उल्टा ना आया, अगर यू ढोलक उल्टी ना आई ना तो तेरी खाल उतरवा के ढोलक बनवा दूंगी। ठीक है आंटी, दे जाए दे जाए। और यार ढीले मत कर लियो। ठीक है।
बजा मिल गई ढोलक तो बजा ले। पर वो करने का है तेरे कहा करना होता चल ना तू भी हमारे गेल अभी से पूछ रहा हूँ। बोल 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 भाभी भाभी गुल्लू की मम्मी तो पता तो उसकी कितनी बड़ी है गुल्लू की मम्मी भाभी भाभी। हाँ भैया। भाभी राम राम। राम राम। और सुनाओ ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। नीचे कोई एक मिनट। नीचे। हाँ भैया बताओ क्या हुआ? कुछ ना हुआ आप बताओ क्या हो रहा? अरे कुछ ना हो रहा ठंड में बर्तन धुलने पड़ रहे आ जाओ धुलवा दो। और ये ढोलक कैसे ले रखी है ढोलक बजाने लग गए क्या? कुछ ना भाभी आज हमारी मम्मी को जन्मदिन है तो घर कीर्तन है और यही मारा हम तुमसे ढोलक मांगने आए हैं। बिल्कुल सही कही तेरे। क्या भैया पहले तो हमारी मम्मी के जन्मदिन है तो अब तुम्हारी मम्मी को चुप रहना देखता जा बस ला लो ढोलक ला दो। हमारी ढोलक तो फटी पड़ी है भैया। अच्छा तो दोनों साइड से फट रही है क्या? पिछली बार कोई मांग के ले गया था इतनी जोर से बजाई कि पूरी ढोलक फट गई। अरे कोई बात नहीं भाभी हम तो टेप लगा के बजा लेंगे। पता नहीं अब कहाँ रखी होगी। ओ भाभी हम तो अपनी हर चीज दे दें तुम तो अपनी ढोलक न दी जा रही। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है रुको मैं देखती हूँ। भैया तुम हमें एक बात बताओ क्या दूसरी ढोलक को क्या करे हो? बता देंगे रुको ना जा रहा था भाभी। भैया हम तो तुम्हें समझा रहा था हमें तो बता दो। बता देंगे नहीं ज्यादा जल्दी में रहे हमेशा हमें तो यार कोई बताता ही नहीं है। लो भैया मिल गई ढोलक। हाँ जी हाँ जी ले आओ। और हाँ भैया जैसे ले जा रहे हो वैसी वापस करना बड़े प्यार से रखी है ढोलक। अरे ना भाभी कैसी बात कर रही हो यहाँ तो मैं अपनी छाती चिपका के रखूंगा। दिए ना रे दिखा। ठीक है भाभी ठीक है तुम दिक्कत मतलब मैं रखूंगा अपने दोरे। राम राम जी। दामीना डोप सोप मारे आकरो दामीना डोप सोप मारे आकरो। बकरा ओ बकरा बकरे तेरा क्या है यार बकरा बकरा क्यों करे जा रहे हो तुम? हाँ तो बकरा को बकरा ना कहेंगे और का गधैया कहेंगे। यार पापा घर ही हैं तब मौसू बकरा बकरा करते रहो ना वे मौसू लड़े कि तेरे दोस्त जो तो बकरा बकरा ही करते रहे। भैया हमारे लगे तो बकरा बकरा अच्छा नहीं लगा ज्यादा बकरिया क्यों करे। तुम दोनों क्या हो ना जब भी ठीक है पर मस्ता नहीं समझा ना तो कह दिया चेट हुआ था ना घना ज्यादा बोले है। अरे बकरा ज्यादा मंत्री मत बने भीतर जा ढोलक लेके आ। ढोलक ढोलक का क्या करोगे तुम? अरे उन्हों अपना सतीश बाकी बरात में बजाएंगे। सतीश कौन है यो? या का बाप। अरे पापा मत कह दियो कुछ। तो ठीक है कोई बात ना रजनी के ब्याह बजा लेंगे। जो रजनी को है या की मम्मी। भाई देख बहुत देर हो गई है अब मत कह दियो कुछ। अरे बकरा तो जितनी कही उतनी सुन ना चुप जाके ढोलक लेके आ। हम पे ना ढोलक अपनी मम्मी है बुला हम पूछेंगे ढोलक है कि नो। पहली बात तो यू है मम्मी नौ घर और दूसरी बात यू अगर हम पे ढोलक होती ना हम जब भी देते तो। भैया जो बकरा ज्यादा फालतू नहीं बोल लो। वैसे भैया एक बात बताएं बकरा खाल की ढोलक बजा तो बहुत बढ़िया है तुम का तो एक बजा ले। बजा ले दो ढोलक तो मिलेगी दो चार मिल जाए मजा आ जाएगा। अरे मिल जाएगी ताई चंद्र और के चल लेना यूरो ना। भाई यार इतनी ढोलकन को कर रहे होगा एक भी रहा चलना चलना बता देंगे ढोलकन को करेंगे कहा सुनता रहे ना। ओ ताई चंद्र हाँ भाई ताई है घर में? मम्मी तो ना यहाँ मम्मी खेतन पे गई है। भाई ढोलक चाहिए ही मिल जाएगी। क्यों ढोलक का क्या करोगे? भाई वो हमारे पापा की रिंग केरमोनी है ये हमारे चाहिए। हाँ भाई जब मम्मी आ जाए जब ले जियो। भाई अभी जरूरत है तुम दे दो। ठीक है रुक जा अभी ला रहा हूँ। यू सही है भाई हम तो आराम से मिल गई ढोलक। भैया ढोलक मांग रहे ठीक है लेकिन हमें जा बताओ घर में कीर्तन है जन्मदिन रिंग सेरेमनी है फंक्शन का है। बता देंगे फंक्शन का चुप रहे। ले भाई ढोलक। ठीक है भाई मैं जल्दी दे जाऊंगा है कोई दिक्कत ना आराम से दे जी। ठीक है भाई। आज ब्लू है पानी और दिन भी सानी आज ब्लू है पानी। ढोलक तो मैं तुम्हें दे दूंगी
पर मुझे ये तो बता ढोलक तुम्हें चाहिए क्यों? अरे चाची आज हमारी भैंस का जन्मदिन है। अरे तुम्हारी मम्मी तुम्हारा जन्मदिन तो मनाती ना, तुम भैंस का जन्मदिन मनाओगे? अरे चाची वो भैंस ना हमारी मम्मी के लिए दहेज में आई और हमारी मम्मी अपने मायके से ज्यादा प्यार है, तो हमारा जन्मदिन मनाना मन है, भैंस का जन्मदिन हर साल मनाना पड़े। तो भैंस के जन्मदिन में ढोलक का क्या करोगे? अरे कीर्तन करवा रही आंटी जमारे चाहिए ढोलक, तुम किचर पिचर करके रह गई। हाँ मम्मी तो नू कह रही चाची से एक बार कह देगा गैल पकड़ा देंगे तो ढोलक। ठीक है तो फिर ले जाओ। लाओ जला पकड़। ठीक है दादी। वैसे भैया ढोलक तो बहुत मिल गई, अब इनको करने का है। अरे रुक जाएगा अभी बता दू तो। चल तो सही पहले हमारी गैल। सब एक गैल ही पूछेगा। चला जा। तू टिकटॉक टिकटॉक जलती है, ये हाई हील्स की गलती है। अरे नितिन मृदुल की मम्मी, और नितिन मृदुल की मम्मी। अरे आ रही हूँ, कहो आग लगी। दीदी तुम? अरे मैंने सुना तुम्हारे घर में प्रोग्राम है और तुमने हमें बुलाया भी ना, तो मैंने सोचा मैं ही बधाई दे आऊं। बधाई? काहे बात की बधाई? अरे वो नितिन मृदुल के पापा की वो क्या है, वो क्या कहवे उसे, वो रिंग सारा मानी उसकी, और वो मैंने सुना कीर्तन भी है। अरे दीदी तुमने भांग खा लिया सवेर सवेर? बाकी बहू मैं खड़ी हूँ और हमारे 20-20 साल के बाल अखोलिए कब की शादी हो रखी है, वो किस कर रहा रिंग सेरेमनी? प्रोग्राम ना है तुम्हारे यहाँ? दीदी काहे बात का प्रोग्राम, हमने जीवन में आज तक दो ही प्रोग्राम करे, एक मेरा और नितिन मृदुल के पापा का ब्याह और दूसरा हमारी बुढ़िया मरी हूँ, तीसरा तो आज तक कोई प्रोग्राम ही ना हुआ यहाँ घर में। कोई प्रोग्राम ना है? और तेरे बालक तो मेरे घर आए ढोलक लेने को, और मैं ही ना तो गुल्लू ने उठा के ढोलक दे दी और आज ही मुझे काम है ढोलक का। रे गुल्लू की मम्मी मौ लगे, तुम्हारे दिमाग में ठंड बढ़ गई दीखे, अपने दिमाग की गर्म पट्टी कराओ, हमारे ढोलक नहीं जो तुम्हारी मंगाएंगे हम, और तो और हमारी खुद की ढोलक मस्तानी लेगा सवेरे सवेरे, तुम्हारी ढोलक कोई और लेके आएगा। अरे कोई और क्यों लेके जाएगा, जब हमारा गुल्लू कह रहा कि नितिन और मृदुल लेके गए और सारा मोहल्ला भी कह रहा, यूं कहते फिर रहे कि प्रोग्राम है कीर्तन है कीर्तन है। फिर अच्छा नितिन मृदुल ले गए तो उन्हें सुई मांग लीजो, पूरा गांव भी पागल होगा, मेंटली डिस्टर्ब औरत। कैसे पागल लुगाई है, बेइज्जती कर रही है तू मेरी, अभी जाके बताऊंगी पूरे गांव में, तब देखियो। सात बोतल हरे वाली, एक चार पैर की कुर्सी। अरे ओ सुल्तान, ओ अंधे, मैं तुझे गाड़ी नहीं दिख रही, ये खाली कर दे फटाफट और सारा माल अच्छे से चेक कर लिए, चल जल्दी खड़ा हो। सात बोतल। राम राम भाई। अरे राम 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 राम, क्या बात, ढोलक ठाव फिर रहे, बजानी शुरू कर दी दिखे। भाई ये ढोलक तो मैं तुम्हारे मान लाया हूँ। क्यों, ढोलक का काम है मेरा, ढोलक बजाऊ मैं? भाई ढोलक बजाने को ना, ढोलक देखने को। ढोलक वोलक ना लेता मैं? तो भाई तुमने तो कहीं कोई भी सामान हो ले आइयो, मैं पैसे दे दूंगा। तो ढोलक का करूँ क्या मैं, लोहा ला प्लास्टिक ला, वो तो खरीद भी लूंगा। तो मैं क्या करूँगा ढोलकन का, इतनी मेहनत सुमन ढूंढने ढोलक। भाई यार मुझे क्या पता, जिसे बेचनी बेच लो जाके। तो ना खरीदेगा कौन, इन्हें तो बस वही खरीद सके। वही कौन? अरे भाई। अरे तो वही कौन? अरे वो जो काम के पीछे रहे। अरे कौन रहे काम के पीछे? अरे वही। हमारी ढोलक क्यों ले रहे? आहा तुम ले रहे हमारी ढोलक, तुम्हारे बच्चे ले गए ढोलक, आहा तुम्हारी ले गए ढोलक, तुम्हारे बच्चे ले गए ढोलक। रुक जाओ ना रुको, तुम सगरे सगरे। वो पहले लू बताओ, नितिन मृदुल सबसे पहला किसके घर आए? हमें ना बताओ किसके घर आए, हमारे घर आए, हमारी ढोलक ले गए। आहा मैंने भी देखे, दो तीन ढोलक लेके गली में डोल रहे। अरे दीदी सही कह रही हो, मेरे तो पीछे पड़ के जबरदस्ती लेके गए ढोलक। अच्छा ठीक है ले गए होंगे तुम्हारी ढोलक, लेकिन तुमने अपनी ढोलक दी क्यों उन्हें? देख रही हो तुम सब, यहाँ पे तो बस उल्टा ही बोलना आवे। जब मैं ढोलक लेने आई अपनी, तो मौसू कह रही दीदी तुम्हारे दिमाग में ठंड बैठ गई, अब तो तुम सबके दिमाग में भी ठंड बैठ गई होगी, झूठी कहीं की है। रे गुल्लू बताइए जाकर लौंडा लेके ना गया ढोलक? हाँ हाँ मम्मी, इनके दोनों लौंडा और एक मस्तानी, तीनों के तीनों है। अरे आप तो ढोलक की बात करो, इनके बच्चे इतने नलायक है, पिलास पेचकस फावड़ा गिलास कटोरी जो मिल जा देते ही ना, वापिस आता ही ना। आंटी मेरे धोरे भी आए हैं और मैंने ढोलक न दिया तो मैं पीट कर गए वे। बताओ कितने नलायक बच्चे तुम्हारे। अरे ओ मेरे लटकी, ठंडा ठंडा, बहुत देर होगी मेरे बाल खाने अलग कहते कहते। हाँ ठीक है ले गए होंगे ढोलक,
अब लोग बताओ फिर करना कहाँ है? करना कहाँ है? ढोलक दे दो, हमारी बात खत्म। सही बात, सही कह रहे हो। चलो ठीक है, जब बालक आ जाएंगे तो मिल जाएगी ढोलक तुम्हारी। तो तुम्हारे नितिन मृदुल ना आएंगे तो ढोलक ना मिलेगी हमारी। उरा भैया वे लोग आएंगे तो अपने ढोलकन के पैसा हम पैसे ले जाइयो, और कैसे करोगे? अब जाओ यहाँ तू। चलो नहीं, अगर ढोलक ना मिली ना तो तुम्हारे बालकन कोई गम में छाए भी ना देने का। रो मत दियो, मत दियो, छाए की दिक्कत रो, छह छह भैंस बंद रहे भीतर हमारे घर में। भाई घर तो यू ही वाला उनको तो अंदर चल के देख ले रहे हैं ना, ये मारते तो ना है। अरे यार डर तो मोबी लगा है, लेकिन एक बार बुला कर देख ले रहे हैं। राम राम जी। जब भी कोई लड़का देखे मुझको ये गाना बोले ओले। हाय हाय राम राम। अरे ओ खुशबू, अरे देख तो सही, नहीं ढोल के आए है भर्ती के लिए? ना ना ना, हम भर्ती होने ना आए, हम तो ढोलक देखने आए हैं। अरे तो बजा भी लोगे तो कौन सा लहंगा फट जाएगा तुम्हारा? नाना जी हम तो बस देखने ही आए हैं। अच्छा वैसे बजाए हुए के कितने रुपए मिले हैं? आए हाय गुरुजी, देखना पैसन की पूछ रहा लौंडा। तुझे तो मुंह मांगे पैसे दूंगी चिकने, पहले भर्ती तो हो जा। हम यहाँ ढोलक देखना है, बजाना ना है। नाना जी हमें ना बजानी ढोलक। ए गुरुजी क्यों मजे ले रहे हो तुम बालकन की गैल? ये बालक ढोलक बजाने वाले ना, ये ढोलक बेचने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी, सही कह रही है मैडम, तो लेनी है ढोलक? ना ना चाहिए तुम्हारी ये ढोलक। अरे डट जा रहे पिंकी, क्यों इतना नखरे दिखा रही है? आज पहली बार ही जोड़ के घर को ही आया है। एक काम कर, एक ढोलक ले ही ले। पर हमें तो सारी ढोलक देखनी है। अरे इतनी ढोलकन का क्या करेंगे, मार्केट में काम ही नहीं बचा। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, पहले लोग बागन के 10-10 बालक हो करे, खीजड़े भी खुश रह करे, अब तो दो करके शांत बैठ जाना आज मिटे। एक काम करो, पैसा थोड़े कम दे दियो पर ढोलक सारी ले लो। अरे खुशबू बजा कर देख लेना कैसी बज रही है इनकी ढोलक। ठीक है जी जी, लाओ रे दिखाओ, मैं बजा के देखूं कैसी बज रही है तुम्हारी ढोलक। ला चिकने। अरे खुशबू काजल, अरे तुम भी आ जाओ देख लो ढोलक। अरे गुरुजी कैसे करोगे, तुम भी देख लो, आ जाओ रे आ जाओ। चिकने। हाँ तो दे दो ना, हम लेट हो रहे हैं। आए हाय इतनी जल्दी क्या है, घर पर लोग इंतजार कर रही हैं क्या? ना ना अभी ध्यान होगा मेरा। हाय तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे को ऐसा आशीर्वाद दूंगी, जल्दी ब्याह भी होगा और बढ़िया ऐसी बहू आएगी तेरी। अरे पकड़ रही देना इसको। ओहो मेरे बाल तोड़ेगी तू बाहुबली। एक काम कर तू सारे ही रख ले और खुश रह। ठीक है ठीक है जी, राम 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 जी। अजी राम राम, खुश रहो। वैसे भैया हमें एक बात समझ नहीं आई, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो तुमने ढोलक ही काहे बेची? काऊ साइकिल बेच देते या फिर काऊ मोटर खोल लेते यार। अरे मस्तान यार, ढोलक हमारा मांगी, अगर काहे की साइकिल मांगते ना तो सोच को मांगने आ जाता। ढोलक ऐसी चीज है, आज मांग लो 6-6 महीना तक याद ना आती काई है, देख के पैसा मिल जाएंगे और काहे पता भी नहीं चलती। मम्मी तुम यहाँ गेट पे क्या कर रही हो? मैं तो इंतजार कर रही किसी का। मम्मी कौन आ रहा? आ गए अब तो। अच्छा अच्छा आ गए।